प्रिंशु सिंह ने खाया जहर, वो भी शादी से पहले, आखिर क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान.com और मैं हूँ आपके साथ वादिशा। पूर्व विधायक हेमंत कटारी के ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली प्रिंशु सिंह ने जहर खा लिया, वो भी शादी से पहले। जब उन्होंने पूर्व विधायक हेमंत कटारी के ऊपर आरोप लगाया था, लेकिन वो आरोप उन्हीं के ऊपर भारी पड़ गया और उन्हीं के ऊपर ब्लैकमेलिंग का केस लग गया। आखिर प्रिंशु सिंह ने जहर क्यों खाया और वो भी अपने मंगेतर के घर? देखिए हमारी पूरी खास रिपोर्ट में। नमस्ते, मेरा नाम प्रिंशु सिंह है। यह लेटर मैं पूरे होशो आवास में लिख रही हूँ। 1 मई 2019 को मैं गाड़ी में बैठकर यह लेटर लिख रही हूँ। मैं प्रयागराज में कालका प्रताप के घर जा रही हूँ। जब आप इसे पढ़ रहे होंगे तब शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी। मेरा और कालका प्रताप, जिसे मैं बॉबी भी कहती हूँ, उनसे परिचय फेसबुक से हुआ था। यह बात अगस्त 2016 की है। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। कालका भोपाल मिलने आया और दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। माँ और दोस्त के साथ शादी की बात भी हुई। विवाह पर कालका को गिफ्ट में 20 लाख रुपये और 4 पहिया वाहन देने की बात हुई। मथुरा के होटल में सगाई के दिन कालका ने यह कहते हुए शारीरिक संबंध बनाए कि अब शादी होना ही है। बॉबी 7-8 साल बड़ा था। इसी दौरान बॉबी ने कहा कि वह झूंसी में मकान ले रहा है, लिहाजा कुछ और पैसे चाहिए। शादी की तारीख तय हो गई है। 28 अप्रैल 2019 को बॉबी ने कहा कि पापा और अरविंद भैया शादी के लिए तैयार नहीं हैं, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज 1 मई 2019 को बड़े भैया ने शादी के लिए मना कर दिया। मेरा जीवन सबने मिलकर बर्बाद कर दिया। मेरी मौत के जिम्मेदार बॉबी के घर वाले हैं। मैं अरविंद प्रताप सिंह, बॉबी के चाचा जीपी सिंह और उनके बड़े भैया विश्वनाथ प्रताप सिंह की वजह से जान दे रही हूँ। बॉबी ने मुझे शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया और आत्महत्या करने जैसी स्थिति में लाकर रख दिया। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।